देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रशांत किशोर जो कि पीके के नाम से बेहद मशहूर हैं, इस वक्त फिर से नीतीश कुमार के साथ एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं और वो तस्वीर काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देख करके एक बात साफ हो रही है कि नीतीश कुमार और पीके के बीच में जो तल्खियाँ थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नज़र आ रही है और इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर वो बीजेपी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार के लिए फिर से चुनावी रणनीति तैयार कर सकते हैं। 2024 का चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है और यहाँ पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार मना रहे हैं और प्रशांत किशोर अगर नीतीश कुमार के साथ आकर के जुड़ जाते हैं तो 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद ही ज़्यादा मुश्किलों भरा होगा और वहीं पर जीत का परचम लहराते हुए नज़र आ सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पहले से उन्हें एक समझदार चुनाव के तौर पर देखा जाता है कि चुनाव में वो बहुत ही ज़्यादा अपने पैतरे आजमाते हैं और उन्हीं पैतरे के ऊपर जो है वो खेला भी करते हैं। देखा यही जा रहा है कि क्या वो इस बार भी खेला कर पाएंगे और प्रशांत किशोर का जो अभी ये नया रूप इस वक्त बीजेपी के सामने आया है, क्या बीजेपी इससे संभल पाएगी या फिर 2024 के चुनाव से पहले ही हार का सामना करेगी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार के साथ में ये जो मुलाकात है, क्या ये मुलाकात जो है 2024 के चुनाव में पूरा समीकरण बदलने की एक पहली तस्वीर, पहली झलक जो है वो सबके सामने है या फिर यहाँ पर बीजेपी अपना एक अलग खेला पहले से ही तैयार रखेगी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।